वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज़ माई 12th वीडियो ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 7। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.1 में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। इसका देखिए, ये प्रॉब्लम आपको फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है। फर्स्ट देखिए, इसका इवेल्यूएट, फर्स्ट का फर्स्ट 3/7 प्लस 2/5। क्या करेंगे हम, 7 और 5 कैल्शियम निकालेंगे, कितना होगा 35। 35 में डिवाइड करेंगे 7 से, 5 आएगा, और ये 5 से कितना हो गया 15। फिर प्लस 35 में डिवाइड करेंगे 5 से, 7 आएगा, 7 से कितना हो गया 14। 15 प्लस 14 ये हो गया 29, डिवाइड बाई कितना हो गया 35। आंसर क्लियर। सेकेंड का फर्स्ट देखिए, 4 - 2/3 है, 1 और 3 कैल्शियम क्या होगा 3। 3 में डिवाइड करेंगे 1 से, 3 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से तो 12 हो गया। फिर माइनस का माइनस, 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 हो गया। 12 - 2 कितना हो गया 10, बाई हो गया 3, इक्वल टू 3 होल 1/3। आंसर क्लियर। 3 का देखिए, फर्स्ट वी हैव 5/7 - 2/3 प्लस क्या है 4/9। यहाँ पर हम 7, 3, 9 कैल्शियम निकालेंगे, कितना होगा 63। अब 63 में 7 से डिवाइड करेंगे 9 होगा, 9 5 जो कितना हो गया 45। फिर माइनस का माइनस, 63 में डिवाइड करेंगे 3 से, 21 होगा, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 42। फिर प्लस का प्लस, 63 में डिवाइड करेंगे कितना से 9 से, 7 होगा, 7 4 जो कितना हो गया 28। तो ये गया 45 - 42 + 28 बाई कितना हो गया 63। 45 + 28 ये हो गया 73, माइनस कितना है 42, डिवाइड बाई कितना है 63, माइनस कर दो ये हो गया 31/63। आंसर क्लियर। 4 का देखो, फर्स्ट वी हैव 2 होल 1/3 प्लस 5 होल 1/2। 3 2 6 6 1 7 7/3 हो गया, प्लस 5 2 10 10 1 11 11/2 हो गया। 3 और 2 कैल्शियम निकालेंगे 6 होगा, 6 में डिवाइड करेंगे 3 से, 2 होगा, 2 7 14। फिर प्लस का प्लस, 6 में डिवाइड करो 2 से, 3 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 33। प्लस कर दो हो गया 47/6 इक्वल टू 7 होल 5/6। आंसर क्लियर। इसका 5 का देखो, फर्स्ट इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, ध्यान समझो इसको। 1/8 है, 3/10 है, 2/7 है, 4/5 है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले इसका जो डिनोमिनेटर सब है वो सबका एलसीएम निकालो, कितना होगा 280। ठीक है, अब देखो 1/8 है तो 8 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि कितना आएगा 280, तो 280 में 8 से डिवाइड कर दो कितना होगा 35। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, और 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, ये आएगा आपको 35/280। क्लियर। ऐसे ही देखिए 3/10 है तो यहाँ भी क्या करेंगे, 3 × 28/10 × 28 हो गया 84/280। फिर देखो 2/7 तो 2 × 40/7 × 40 हो गया 80/280। 4/5 है तो क्या होगा, 4 × 56/5 × 56 और ये हो गया 224/280। क्लियर। अब देखो 35 से बड़ा क्या है 80, 80 से बड़ा क्या है 84, और 84 से बड़ा क्या है 224। ठीक है, सो 35/280 इससे बड़ा क्या होगा 80/280, इससे बड़ा क्या होगा 84/280, इससे बड़ा क्या होगा 224/280। अब ध्यान दीजिए 35/280 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 35/280 देखो 1/8 क्या हो गया 1/8, 80 कितना दिया है 280, देखो 2/7 है, 2/7 84 है कितना 280, यहाँ 3/10 तो 3/10 और क्या है 224/280, 4/5 है, यहाँ क्या हो गया 4/5। क्लियर। तो सब छोटा क्या हो गया 1/8, इससे बड़ा क्या हो गया 2/7, इससे बड़ा क्या हो गया 3/10, इससे बड़ा क्या हो गया 4/5। ठीक है, तो छोटा से बड़ा यदि हम अरेंज करते हैं तो क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर, तो इसको आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में।
आपको हम इससे आगे बताएंगे। थैंक यू।